टीटीआई सिटी में रहने वाले ललितपुर के एसडीएम हेमंत कुमार ने की आत्महत्या। परिवार को लेकर तनाव में चल रहे थे ललितपुर के एसडीएम। राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच ने बहेलिया समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश राजस्व अमीन संघ मुरादाबाद मंडल की एक बैठक हुई आयोजित। गांधी आश्रम कर्मचारी संघ के समस्त कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों ने देवकी नंदन के पोस्टर पर पोती काले। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक बैठक का हुआ आयोजन। लखनऊ में हुए इंजीनियर विवेक तिवारी की हत्या का किया गया पुरजोर शोध। चुनरिया में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में वर्तमान परिदृश्य और एकात्मानवाद की प्रासंगिकता पर हुआ। लाकड़ीवाला स्थित जहीर मोहसिन एडवोकेट के मकान पर 19 मुहर्रम की महरिस का हुआ आयोजन। दिल्ली से आए मौलाना इब्ने हसन ने किया खिताब। सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक विशेष गोष्ठी का हुआ आयोजन। महिला को पुत्री की प्राप्ति के चलते दहेज लोभी ससुरालियों ने मारपीट कर निकाला घर से। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर लगाई इंसाफ की गुहार। आज की स्पीड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।